अम्बाला के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अम्बाला में जगह जगह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें अम्बाला शहर से विधायक असीम गोयल ने शिरकत की और इस स्वास्थ्य मेले में पहुंचे लोगों और डॉक्टरों से बातचीत की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। पहले अम्बाला शहर के वार्ड नंबर 7, फिर अम्बाला के आत्मानंद जैन कॉलेज और अम्बाला के प्रेम नगर में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर इस मेले का लाभ उठाया। विधायक असीम गोयल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस मेगा कैंप में हर तरह की बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए हैं। उन्होंने बताया कि चिरायु योजना को लेकर लोगों की भ्रांतियां दूर करने के लिए भी इस कैंप में स्टॉल लगाया गया है। विधायक ने इस कैंप को स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत अच्छा प्रयास बताया। विधायक असीम गोयल ने कहा कि स्वास्थ्य मेले का सैकड़ों लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाली 13 और 15 तारीख को भी ऐसे स्वास्थ्य मेले जंडली और ननियोला गांव में लगाए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य मेले का लाभ लेने पहुंच रहे अम्बाला के लोगों ने बताया कि उन्हें इस मेले का बहुत फायदा पहुंच रहा है। यहां पर हर तरह का टेस्ट निःशुल्क किया जा रहा है। हर बीमारी के इलाज के लिए उन्हें जानकारी दी जा रही है। इस मेगा कैंप के लिए वो सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और कितने लोगों को रोजाना रहा? देखिए, आयुष्मान भारत के तहत इस स्वास्थ्य मेले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय अनिल विज जी, मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति तक जो है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुँचे, हर व्यक्ति हरियाणा का स्वस्थ रहे, हरियाणा स्वस्थ बने, इसे एक अनूठी सोच के साथ ही इन्हें स्वास्थ्य मेलों का जो है आयोजन किया जा रहा है। और जैसा मैंने पहले ही बताया कि लगभग 10 के करीब ऐसे स्वास्थ्य मेले हमारी पूरी विधानसभा में, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण अंचल का क्षेत्र हो, ऐसे लगाए जाएंगे। आने वाले दिनों में भी 13 तारीख को जंडली और 15 तारीख को ननियोला के अंदर ऐसे विशाल स्वास्थ्य मेले, जहां पर डॉक्टर्स की पूरी टीम हर तरह की बीमारियों की अगर जांच के लिए और उनके इलाज के नाते, जिस नाते भी जो भी मदद आम व्यक्ति तक पहुँच सकती है, उसके लिए जो है हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, और उसी नाते इन स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। मैं स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। अपने एक बहुत अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ ये लोगों को परामर्श देते हैं, और जो मैं कहूँगा कि बाद में जो फीडबैक है इन स्वास्थ्य मेलों का, वो बहुत अद्भुत फीडबैक है। आमजन के अंदर एक विश्वास जगा है कि सरकार जो है हमारे घरों के पास आके हमें स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है। खाली इलाज ही नहीं, इसके अंदर जो भी बीमारी है उसकी जो फ्री मेडिसिन हैं उसका भी प्रावधान इन मेलों में किया गया है। तो मैं पुनः इन स्वास्थ्य मेलों में जो डॉक्टर्स लगे हैं, सरकार की सोच है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पीछे एक्चुअली आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिसकी 1,80,000 से कम की फैमिली की इनकम है, और वो कार्ड जो गलती से कट गए और जो चिरायु योजना के नाते नहीं बन पाए, ऐसे लाभार्थी भी आकर यहाँ इन मेलों के अंदर अपने प्रूफ देकर अपने उन कार्ड्स को जो है बनवा सकते हैं, अगर उनकी इनकम जो है उस तय राशि से कम है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक और भी किया है, जिनकी त्रुटियाँ, टेक्निकल त्रुटियों की वजह से कई साथियों के कार्ड कटे हैं, तो मौके के ऊपर ही उनका समाधान करके उनको राहत दी जा रही है। बहुत लाभ है जी। तो आजकल आपको पता है कि सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, किसी के पास हॉस्पिटल में जाने का टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ का कैंप लगाया, ये बहुत बढ़िया है। और हर तरह का डॉक्टर बैठे हैं यहाँ, यानी टेस्टिंग है, मेडिसिन है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इससे पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी तक तो फ़ायदा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी पब्लिक जो जितनी आ रही है ना, उनके सब के टेस्ट फ्री के हो रहे हैं, हर एक टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ब्लड टेस्ट हो रहा है और शुगर का टेस्ट, ECG वगैरह सब टेस्ट हो रहे हैं। सबको फ़ायदा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, सबको पूरा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हम सभी से प्रार्थना करते हैं भी जो भी अपने घर में बैठे हुए हैं वो यहाँ पहुँचे और आकर आप इस कैंप का जो साहब ने लगाया है उसका फ़ायदा लें, और आपका सबका चेकअप जो होएगा फ्री का होएगा।